पहले हमने कीवर्ड रिसर्च की फिर हमने उसको असाइन किया कीवर्ड्स को हर पेज के ऊपर और फिर हमने उनको ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ किया लेकिन ये सब करने के बावजूद मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि आपने इम्पोर्टेंट पेजेस पहले ऑप्टिमाइज़ करने हैं इसका मतलब ये था कि आपने पहले इंपॉर्टेंट पेजेस ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आपने बाकी की को भी ऑप्टिमाइज़ करना है सो so, प्रायोरिटी आपने सेट करनी है डिपेंडिंग ऑन कि आपका बजट कितना है आपके पे रिसोर्स कितने हैं कितने लोग काम कर रहे हैं और कितनी टाइम में अवेलेबल है so, तो अगर आपने काम शुरू करना है तो पहले दस टॉपिक्स क्या होंगे जो आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो पहले दस टॉपिक्स वो होंगे जो आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप पहले वो करेंगे फिर उसके बाद आप दस पेजेस और पकड़ेंगे फिर दस पेजेस और पकड़ेंगे करते करते टॉपिक वाइज कीवर्ड वाइज आप उसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे प्रायोरिटी की सेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले होगा तो आपने नेक्स्ट ये करना है कि अगर आपने कॉन्टेंट कॉन्टेंट इज किंग ये आपको पता है और ये हम सबको पता है कि ए टोटली रिलाई ही कॉन्टेंट के ऊपर करती है अगर आपका कॉन्टेंट होगा तो आप कैसी होगी क्योंकि गूगल ने कुछ तो रैंक करना है अगर आप सिर्फ पेज बना लेंगे उसमें कुछ नहीं लिखेंगे गूगल रैंक क्या करेगा तो कंटेंट इज़ वेरी नेसेसरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आपने कंटेंट क्रिएट करते चले जाना है और इंपॉर्टेंट पेजेस के बाद आपने वो जो कीवर्ड्स रह जाएंगे जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी रेलिवेंट हैं तो आप उनको ब्लॉग्स की शक्ल में गाइड्स की शक्ल में किसी भी शक्ल में आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं उनको पेजेस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि गूगल को जब वो कोई सर्च करे गूगल के ऊपर गूगल को लगे कि इस की वर्ड के अगेंस्ट ये उस्मान लतीीफ की वेबसाइट या आपकी वेबसाइट पे एक जो पेज है वो बड़ा रेलिवेंट पेज है उसको रैंक करना शुरू करें एक चीज़ जो लोग मिस करते हैं वो भागते हैं टॉप के ऊपर कि भाई ठीक है ये जो दस की वर्ड्स हैं इन पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो मैं इन पर रैंक कर जाऊँगा मुझे बाकी की क्या ज़रूरत है प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि वो सब लोग ही टॉप के ऊपर भाग रहे होते हैं जितना आप टॉप पर जाते हैं जितने आप जेनेरिक कीवर्ड्स पर या इंपॉर्टेंट की वर्ड्स के पीछे जाते हैं कॉम्पटीशन भी उतना ज़्यादा होता है उतनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है लोगों को हायर करना पड़ता है लिंक्स बिल्ड करने पड़ते हैं उतने ज़्यादा आपको वो जो कंपटीशन है वो फ़ेस करना पड़ता है जो लोग मिस करते हैं वो हैं जो आपको नीचे बॉटम पे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं जिनकी सर्चिस बहुत ज़्यादा नहीं है उस पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है लोग इस बॉटम पे या इन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को लोग मिस करते हैं कि भाई इस पर मुझे क्या फ़ायदा या इसमें मुझे इतना फ़ायदा नहीं है जितना होना चाहिए तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आप टॉप के ऊपर जिसके दस हज़ार सर्चिस हैं उस कीवर्ड के पीछे जा रहे हैं तो आपको महीनों लग सकते हैं उसके ऊपर रैंक करने के लिए लेकिन अगर आप ऐसे कीवर्ड्स के की पीछे जा रहे हैं जो बिल्कुल ही कोई सर्च आ, मतलब कि जिसकी सर्चिस कम है मतलब सौ हैं सौ से कम है दस से ज़्यादा हैं या मतलब सौ दो की रेंज में आ रही हैं वो कीवर्ड भी अच्छे कीवर्ड्स हैं क्योंकि ये अगर जितना लॉन्ग टेल होगा कीवर्ड उतना ज़्यादा वो इंटेंशन क्लियर होगी जी हाँ अभी आपको याद आया होगा कि मैंने इंटेंशन पे कितना फोकस किया था कि कीवर्ड रिसर्च टोटली इंटेंशन के ऊपर ही बेस करती है इंटेंशन जब आपको यूज़र की समझ आ जाएगी तब आप अच्छी कन्वर्जन कर सकेंगे तो मोबाइल फ़ोन किसी को चाहिए हमें वो क्या सर्च करेगा मोबाइल फ़ोन सर्च करेगा गूगल को नहीं पता कि मोबाइल फ़ोन के, के गेंद वो वीडियो सर्च कर रहा है वो उसकी इमेज़ uh, सर्च कर रहा है वो उसकी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है वो कोई ठीक करवाना चाहता है या वो उसको उसकी सेससरीज लेना चाह रहा है या मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाह रहा है सिर्फ मोबाइल फ़ोन कीवर्ड के ऊपर ये सारी ये सारे, सारे फैसले नहीं हो सकते लेकिन अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग टेल में ले जाएँ कि मोबाइल फ़ोन प्राइसेस तो अब क्लैरिटी है कि मोबाइल फ़ोन की वो प्राइस ढूंढ रहा है प्राइस से ये थोड़ा सा हिंट मिलता है कि अगर वो प्राइस देख रहा है तो उसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो उसको बजट बनाने की सेंस में बैठा हुआ है उसके में पैसे हैं इस वक्त या वो पैसे बनाना चाह रहा है कि अगले एक महीने में दो महीने में शायद वो उसको ख़रीद भी लें तो प्राइस लोग तब सर्च करते हैं जब उनके पास पैसे होते हैं या जब वो लेने के मूड में होते हैं अपने लिए ले किसी के लिए ले गिफ़्ट करना है वट एवर इज़ द रीज़न प्राइस का मतलब ही ये है कि वो प्राइस देखना चाह रहा है उससे काफ़ी हद तक क्वालिटी जो है ऑडियंस आपको समझ आ जाती है कि जो लोग प्राइस सर्च कर रहे हैं वो पॉसिबिलिटी है कि ख़रीद सकें अब ये कब पॉसिबल हुआ जब कीवर्ड आपका लॉन्ग टेल हो गया जब आपने मोबाइल फ़ोन के साथ प्राइस का वर्ड सर्च क्वेरी में जैसे ही लगा तो आपको क्लियर हो गया लेकिन इसमें अभी भी एक कुछ क्लैरिटी और भी हो सकती थी फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन प्राइस इन पाकिस्तान तो अब मैं मोबाइल फ़ोन प्राइस पाकिस्तान में ढूंढ रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं पाकिस्तान के अंदर से बाय करना चाह रहा हूँ प्रोवाइडेड कि आप ग्लोबल वेबसाइट चला रहे हैं जिसमें आपको हर हर तरह के मुल्क में हर तरह की सर्च क्वेरीज में आपको मतलब आपने ऑडियंस को देखना होता है तो ये आपको पाकिस्तान का वर्ड जो है वो कंट्री आपको स्पेसिफिक जो है वो आपको ऑप्शन देगा कि भाई ठीक है पाकिस्तान में कितनी सारी हैं या पाकिस्तान में कौन ख़रीदना चाह रहा है लेकिन अगर आप पाकिस्तान लेवल में वेबसाइट चला रहे हैं अगर मैं लिखूँ मोबाइल फ़ोन प्राइस इन लाहौर तो आपको ये समझ आ जाएगी कि भाई ये भाई साहब जो हैं ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाह रहे हैं लाहौर के अंदर तो लाहौर के अंदर डिमांड ज़्यादा है लाहौर के अंदर एक लाहौर स्पेसिफिक ऑफर लगाई जा सकती है तो ये सारी चीज़ें डिसीजन बेस करते हैं उन कीवर्ड की सेंसिस के ऊपर जो आप डेवलप करते हैं तो आपने ये करना है कि आपने स्टेप नंबर फोर में आपने वो कंटेंट क्रिएट करना है जो आपको की के बेस पर आपको जो कितने सारे कीवर्ड्स आपने रिसर्च किए हैं उस कीवर्ड को अकोमोडेट करें उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें उस पर कॉन्टेंट क्रिएट करें ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करें गाइड क्रिएट करें उसमें कुछ कुछ ना कुछ करें उसके साथ गूगल को मिलने चाहिए जब जब भी कोई क्यूरी सर्च करे गूगल को पता हो कि आपके पास उस क्यूरी का एक पेज है जितना ज़्यादा आप अपना फैलाव करेंगे अपनी वेबसाइट का उतना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा आपकी वेबसाइट को उतनी ज़्यादा गूगल के पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए